नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जीवन में आप अपने दम पर कैसे सफल होते हैं और अपने जीवन में सब कुछ सपना कैसे हासिल करते हैं। कहते हैं कि अगर फिश की साइन है वो केतु के पर्वत पे, तो आपको अधिक धन का लाभ दिलाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा जितनी बड़ी हो और जितनी लंबी हो, जीवन के अच्छे सुख की प्राप्ति के बारे में बताती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष न पैदा हो। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा, हमारे मन के विचारों के, हमारे मन के गहराइयों के बारे में बताती है। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी सीधी है, सफल है, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, तो आप देखेंगे जीवन में आप जो भी निर्णय लेते हैं काफी अच्छा लेते हैं और बेहतर ढंग से लेते हैं। इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा कहते हैं ना, प्रेम की प्रमुख मानी जाती है। ऐसे लोग सच्चे प्रेम करने वाले होते हैं। अगर आपकी हृदय रेखा गुरु के पर्वत तक जाती है, तो आज मैंने बात की है कि केतु के पर्वत के ऊपर फिश की साइन क्या फल देती है। अब केतु के पर्वत के ऊपर, ये केतु का क्षेत्र है, ये वाला एरिया जो बनता है, ये केतु का क्षेत्र है, केतु का पर्वत है। और केतु के पर्वत से यहां एक फिश साइन बन जाए, ये फिश साइन बन जाए, ये फिश साइन बन जाए, और यहीं से भाग रेखा चले, ऐसे लोग जीवन में सब कुछ अपना बनाना चाहते हैं। अगर देखा जाए ऐसे लोग, तो जीवन में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, जैसे ये बड़े होते अपने पैरों पर खड़ा होते हैं, वैसे अपने परमात्मा की असीम कृपा इनके ऊपर होती है, सब कुछ करते चले जाते हैं। और ये काफी सौभाग्यशाली शुभ चिन्ह है। ऐसे लोग धार्मिक नेचर के भी होते हैं, लेकिन धर्म कर्म के प्रति विश्वास रखने वाले होते हैं। अपने जीवन में सुख सब कुछ, चाहे मकान हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे फैक्ट्री हो, इनके मन की इच्छाएं होती हैं कि मैं जो भी कमाऊं अपने मेहनत के दम पर कमाऊं, मैं किसी से कर्जा ना लूं। जितना ये कुछ करते हैं अपने दम पे करना चाहते हैं, ये शुभ चिन्ह होता है और जीवन में उस चीज में सफलता इनको अवश्य प्राप्त होती है। अगर देखें तो केतु के पर्वत पे जो फिश का साइन है, यहां पर ऐसे लोग पानी में एक बार अवश्य डूबते हैं, लेकिन अपने साथियों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा ऐसे लोग बचा लिए जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं ऐसे लोग जीवन में अपार धन के मालिक, अपार सफलता इनको मिलती है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।